गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का अतरंगी डीआईवाई चैनल में। तो चौंकिए मत, ये एक डीआईवाई चैनल ही है और आप लोगों के लिए मैं इस बार लेके आया हूँ एक मज़ेदार और धमाकेदार क्रिएटिव गिफ्ट जो कि क्रिसमस रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस इन एडवांस। तो वो रहा गिफ्ट जो कि आज हमारा वीडियो होने वाला है, तो चलिए मैं फटाफट वो दिखाता हूँ, फिर हमारा डीआईवाई शुरू करते हैं। तो चलिए आज का डीआईवाई शुरू करते हैं। तो आज के डीआईवाई के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ ऐसी बॉटल। तो मैं ग्लास की बॉटल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉटल चूज़ करने में ये होनी चाहिए कि जो ओपनिंग है ये वाइड होनी चाहिए ताकि हम हमारे जो कैरेक्टर्स है वो इसके अंदर डाल सके। तो अभी सबसे पहले हम इसे स्क्रैप कर लेते हैं, ये जो प्रिंट्स है इसे निकाल देते हैं और इसे पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। तो अब ये पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हम प्लेस करेंगे वो कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्रिसमस ट्री मैंने खुद ने बनाई है, DIY है, ये थ्रेड से बनाई है। अगर आपको भी ये बनानी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे देख के बना सकते हो। तो अभी हमें इसको इसमें फिक्स करने के लिए यहाँ पे POP सॉल्यूशन जो होता है उसे पोर करना है, तो वो बना लेते हैं। तो हमारा POP सॉल्यूशन तो बन चुका है। तो इसके अंदर पोर करने के लिए मैंने ये एक फनल टाइप बनाया जो कि पूरा अंदर तक जाएगा और यहाँ से हम पोर करेंगे ताकि ये जो साइड वॉल्स है इस पे POP ना लगे। तो अभी हमारा POP का सॉल्यूशन अंदर पोर करके हो चुका है। जैसे हम पोर करेंगे उसके थोड़े ही टाइम बाद हमें जो हमारा कैरेक्टर है वो उसमें प्लेस कर देना है, नहीं तो वो सूख जाएगा और सूखने के बाद फिर हम नहीं डाल सकते। तो अभी इसे अंदर प्लेस कर देते हैं। कैरेक्टर भी अंदर प्लेस हो चुका है। अभी क्या करेंगे ना, थोड़ी बहुत जो स्प्रिंकलर्स होती है वो इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैं गोल्डन और सिल्वर यूज करने वाला हूँ, एकदम थोड़ी थोड़ी करेंगे। अभी हम इसे सूखने रख देते हैं। तो हमने जो POP डाला था बॉटल में वो ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो अभी इसे डेकोरेट कर दे। तो डेकोरेट करने के लिए मैं ये रस्सी का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ राउंड्स और यहाँ पे कुछ राउंड्स ये रस्सी के चिपका दूंगा। तो ये रस्सी लगा के तो हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर ग्लिटर भी थोड़ा बहुत लगा दिया है। अब इसके अंदर जो नोट लगाएंगे हम वो कर लेते हैं। तो सिंपली आपको कोई भी एक पेपर का पीस लेना है जो कि इसमें इसे रोल करके जाएगा,
अभी इसके ऊपर जो भी आपको मैसेज लिखना है या फिर ग्रीटिंग्स लिखने हैं वो इसके ऊपर लिखेंगे। मैसेज कार्ड भी रेडी हो चुका है, अभी इसे रोल करके इस पे रिबन टाई करेंगे। ये जो बचा हुआ एंड है हमारे रिबन का, वो हमें क्या करना है, ऐसा एक पेपर कट करना है, पेपर या फिर कार्डबोर्ड ये साइज का, और इसके एक साइड में यहाँ पे चिपका देना है। कुछ इस तरह से, और फिर इसे अंदर डाल देना है और ऊपर से ढक्कन लगा देना है। और ये हो गया। आप और भी इसे डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये चीज़ की है, ये एक प्लेट बनाई है जो कि मैं यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दूंगा। तो हमारा गिफ्ट अब रेडी हो चुका है। इसे डेकोरेट करने के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मुझे डिसेंट रखना था इसलिए मैंने बस इतना ही किया है। आप इसमें थर्मोकोल बॉल्स ऐड कर सकते हो या फिर और कोई कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस DIY? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये DIY पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि ये काफ़ी ही क्रिएटिव है, तो ज़रूर ये वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस क्रिसमस आ रही है और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक अच्छा सा DIY गिफ्ट का वीडियो बनाते हैं। मुझे ये DIY का आइडिया काफ़ी पसंद आया, क्योंकि गाइस इसमें आप अपना मैसेज भी दे सकते हो और ये काफ़ी क्रिएटिव लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अब से वीडियोज़ आते रहेंगे। थोड़ा मैं बिजी हो गया था इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से वीडियोज़ आएंगे। और हाँ, आप सभी को मेरी क्रिसमस एडवांस में ही। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नए और क्रिएटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।